Badru Nisab Bhatt, a resident of Srinagar city in Jammu and Kashmir, has chosen an offbeat and peaceful method of expressing her solidarity with religion in general and Sufism in particular. The 20-year-old is using her painting skills to express her Sufi thoughts. Bhatt credits her grandfather for introducing her to Sufism. बचपन से जैसे हम दादू अपने साथ बिठाते थे, हम सारे सिबलिंग्स को स्टोरी सुनाते थे प्रॉफिट्स वगैरह की, तो हमें वो मसनवी की लाइनें सुनाते थे। तो मौलाना रूम की है मसनवी, लिखी गई पर्शियन में बुक है, तो मैं बहुत इंस्पायर होती गई। पहले तो समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, तो ग्रेजुअली 8th स्टैंडर्ड से मैंने जब सूफीज़म के बारे में मतलब मैं गई वहाँ पर, देखा कि क्या है ये बेसिकली सूफीज़म क्या, और वैसे भी कश्मीर को कहा जाता है फिरवर, सो वी हैव सो मेनी सूफीज़ टू स्टडी कि कम पड़ जाएगा, जिंदगी कम पड़ जाएगी, पर उन सूफियों को नहीं पढ़ पाएंगे जिन्होंने इतना काम किया है इस्लाम के लिए। Bhatt began making paintings at a very young age. She started with whirling dervishes, a customary meditation practice performed in a worship ceremony in which dervishes, that is Sufi saints, aim to reach the source of all perfection. She got inspired by the ideology of the dervishes who whirl with their right hand held open and up so as to receive grace from Allah and the left hand facing downwards towards the earth so as to give that grace and light to the world. She started portraying this ideology in her paintings. But the main focus of Bhatt is on the subject of Sufi women who are very less talked about in the contemporary Sufi art. फिर सूफीज़म में एक बहुत लेस टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट है सूफी विमेन, मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने मटेरियल में पढ़ती हूँ उस सूफीज़म के बारे में, तो मैंने सोचा कुछ मटेरियल ढूंढूँ तो उससे मैं इंस्पायर होकर कुछ पेंटिंग्स पेंट कर सकूँ। तो मैंने जब ढूंढने की कोशिश की तो कश्मीर में ललदेद मिलते हैं, हब्बा खातून का जिक्र होता है, हब्बा खातून तो उतनी सूफी इस पर नहीं है, तो अर्नमाल का, और बहुत कम सुना होगा लोगों ने अर्नमाल का है, वो एक और है भवानी समथिंग, तो उनका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड सूफीज्म जो बहुत लेस टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट है। इवन अगर मैं यूनिवर्सली देखूं मिडिल ईस्ट में, तो हमें राबिया अलबसरी का बहुत सुनने को मिलता है कि वो एक बहुत अच्छी सूफी सेंट गुजरी है। अच्छा, फातिमा निशापुरी, इवन जो बहुत बड़े ऊंचे शेख और मुरीद मुर्शिद रह चुके थे, उनकी शेख और मशाइख सूफी लेडीज रह चुकी, जैसे जुन्नून मिस्री हैं, उनकी फातिमा निशापुरी ऑफ मक्का उनकी मुर्शिद रह चुकी, उनसे सीखा है उन्होंने, तो उनका मतलब बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट यूजली विमेन वेल्ड रहते हैं तो वो ज्यादा सामने आती नहीं है, बट मैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहती हूँ। Bhatt has participated in several painting competitions such as Kashmir Art Quest, Ramzan Art Expression and many more, and has thus won several awards as well. Her paintings have also been exhibited in Turkey and Australia, and major exhibitions are on the cards in the coming days. Bhatt is thankful to her parents and teachers for all their support and encouragement. वो एक कोट है, कहते हैं कि इंडीड एंड सेल्फ टॉट आर्टिस्ट इज टॉट बाय एन इग्नोरेंट पर्सन। तो मैं तो खुद इग्नोरेंट थी, बट ग्रेजुअली मेहनत की, जब ऑनलाइन हेल्प मिलती है, वीडियोस हैं वगैरह, और टीचर्स मेरे अभी भी असरार से मैं कभी भी कह दूं तो हेल्प कर देते हैं, तो बेसिक नीड्स मतलब मेरे क्लियर हो गए उससे, और फैमिली ने काफी सपोर्ट किया। यूजुअली नहीं करते हैं, आर्ट बच्चों का खेल है, बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब माई डैड उनसे कह दूँ कैनवस लाने हैं, कलर्स लाने हैं, तो वो ला के दे देते हैं, और खुद भी मैंने इस पर मेहनत की तो तभी जाके हासिल हुआ। The way Bhatt is expressing her Sufi thoughts through her artworks is really laudable. She has turned out an inspiration for the people who have a different perspective of looking into the world and just want to spread love and peace through their work.